Nilos, Unisex Salon and Academy, opposite Badar Vidyalay, Vishali Nagar, Ajmer. International Watches Collection by Minutes to Style, Martin Dilbridge, Ajmer. Estron, Unisex Salon, Kacheri Road, Ajmer. Salon, jo aapko deta hai style. आज यूथ कांग्रेस और शहर कांग्रेस की ओर से ज्ञापन देकर कलेक्टर साहब को यह निवेदन किया गया है कि जो स्कूलों का समय वो बढ़ाया जाए, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है, शीतलहर का प्रकोप है, अभी मावट गिरी है, छोटे बच्चों को परेशानी होती है, सुबह जल्दी स्कूल जाने में उठ नहीं पाते हैं, तो यही हमने निवेदन किया है कि समय बढ़ाया जाए। ईश्वर राजौरिया, युवक कांग्रेस, अजमेर। जिस तरह से मौसम होता है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। मौसम इतना कोहरा, अभी तक भी दोपहर के 2 बज रही है उसके बावजूद भी कोहरा हो रहा है, लेकिन जो सुबह का टाइम है, स्कूल का टाइम है, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, कुछ स्कूलों की परीक्षा भी चल रही है, लेकिन जो भी इनका शेड्यूल है उसमें ये निजी स्कूल अपने आप बैठे हैं। कलेक्टर का हमने साहब को ज्ञापन दिया है, वो ऐसा कोई निर्णय निकालें कि बच्चों को कम से कम किसी भी बीमारी का या किसी भी इंजरी का सामना नहीं करना पड़े। कोहरे की वजह से जो स्कूल वैन जाती है, स्कूल वैनों में बच्चों की संख्या अधिक होती है, तो कोहरे की वजह से, फॉग की वजह से गाड़ियाँ आपस में टकराए, तो कम से कम बच्चों की सेफ्टी के लिए निजी स्कूल वाले अपने सिर्फ स्कूल का नियम फॉलो करने के लिए किसी पर कोई बाउंडेशन नहीं लगाए कि आप इससे लेट आए तो आप पे फाइन लगेगा, या आप लेट आए तो आप स्कूल आपके एबसेंट कम हो जाएगी, आपके मार्क्स कम हो जाएंगे। हमारी कलेक्टर साहब से भी ज्ञापन दिया है, हमने मांग करी, हमें पूर्ण आश्वासन है, विश्वास भी है कि कलेक्टर साहब 1-2 दिन में जल्द इस पर अपना निर्णय देंगे, और हमें पता है कि निजी स्कूल वालों को इनके फैसलों को मानना पड़ेगा, और अगर नहीं मानते हैं स्कूल वाले, अपनी मनमर्जी चलाते हैं, तो हम एक बार वापस पुणे, हमारा आज तो केवल शिष्टमंडल आया, अगली बार हम यूथ कांग्रेस, NUSI और कांग्रेस के जो नेता हैं वो वापस आएंगे और हमारी मांग को पूर्ण तरीके से रखेंगे। सागर मीणा, शहर कांग्रेस कमेटी सचिव। के पूरे प्रदेश में सर्दी का प्रकोप जारी है, और 2-3 दिन से जिस तरह से ओलावृष्टि हो रही है, बारिश हो रही है, और इतने कड़ाके की ठंड पड़ रही है, उसके बावजूद भी निजी स्कूलें अपनी मनमानी करके सुबह 8 बजे स्कूल खोल रहे हैं, जबकि इनके टाइम को आगे बढ़ाना चाहिए, सुबह 7 बजे बच्चों को उठ करके स्कूल जाना पड़ रहा है। अब ऐसी सर्दी में आप खुद बताइए कि बच्चे स्कूल जाएंगे और बीमार हो गए, कोई तकलीफ हो गई, तो उससे जिम्मेदार कौन होगा? तो इस जो निजी स्कूल है उनकी मनमानी को रोकने के लिए आज हमने ADM साहब को ज्ञापन दिया है, और हमारी मांग यही है, अगर 1-2 दिन में अगर इन्होंने स्कूल का समय नहीं बढ़ाया है तो हम दोबारा आकर के मिलेंगे। अभी तो हम मात्र 10 लोग ज्ञापन देने के हिसाब से आए हैं, और अब के बाद जब आएंगे तो हम पूरा लाजमा लेकर के आएंगे, और जब भी निजी स्कूलों को जाकर के बंद भी कराना पड़े कि भाई आप लोग टाइम कैसे बढ़ा रहे हो, तो हम खुद भी जाकर के बंद कराएंगे। अगर उससे पहले कलेक्टर साहब भी अगर आदेश जारी कर देते हैं तो हम उनका धन्यवाद देंगे, और हमने उन्होंने हमारी मांगों को मान के आश्वासन पूरा दिया कि हम 1-2 दिन में दिखाते हैं इसको। डॉक्टर सुनील लारा, नेता यूथ कांग्रेस।